अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज इस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। वो प्रोडक्ट मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और अगर उसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो उसके बेतहाशा बेनिफिट्स हैं, जिसके लिए आई थिंक ये मेरी वीडियो छोटी पड़ सकती है। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे हिमानी का रोज़ ऑयल है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इतना जो है एक्सपेंसिव नहीं, बहुत इकोनॉमिकल इसके प्राइस हैं, 290 की ये बोतल है। लेकिन अगर इसके जो है फ़ायदों की बात की जाए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आगे जाके कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं और डेली यूज़ में इसके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरी वीडियो फुल वॉच करनी होगी ताकि आपको डिटेल्स से जो है ना सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। यहाँ पे बताती चलूँ कि इसके फ़ायदे मुझे इतने अच्छे लगे और इतना ज़्यादा मुझे पसंद आया कि मैंने इसको दोबारा परचेज़ किया। फ़र्स्ट टाइम का रिव्यू नहीं दिया, सोचा कि एक दफ़ा दोबारा यूज़ करने के बाद ही मैं आपको उसको रिव्यू दूँगी। आप देखें इसकी बोतल जो है इतनी सी 30 ml की बोतल, लेकिन ज़्यादा चलती है क्योंकि काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी में ये है। और दूसरा ये कि मैं इसको जो है दिन में नहीं यूज़ करती हूँ, नाइट स्किन केयर रूटीन में इसको यूज़ करती हूँ, तो फिर ये जो है बहुत अच्छी तरीके से ये चल जाती है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कि कितनी ज़्यादा थिक है ये। उसके अलावा आपके हाथों को, आपके पैरों को बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट रखती है, सफल रखती है, या जैसा कि आपको यहाँ पर फील हो भी रहा होगा। यहाँ पे जो इनके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, एक साइड पे तो अरबी में लिखा हुआ है जो कि मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा है आपको मैं कुछ बता देती हूँ कि इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं। नेचुरल स्किन मॉइस्चराइजर है जो कि मैं बता चुकी हूँ। रिड्यूस रिंकल्स, फाइन लाइन, स्ट्रेच मार्क्स के आज के लिए बहुत ज़्यादा ये बेस्ट है। अच्छा, ये पोर्स को रिड्यूस करता है, स्किन को ब्राइट करता है, एक्नी के लिए बहुत बेस्ट है। फेड स्कार्स एंड ब्लेमिशेस, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें बहुत पाई जाती हैं। इसके अलावा ड्राई हेड्स के लिए, डल हेड्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा जी, नेल्स को जो है ये नरिश करता है और गिव नेचुरल ग्लो टू स्किन। मतलब कि ये वो चीज़ें हैं कि जो मेरे साथ भी जो मैंने यूज़ की हैं तो मुझे इन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है। मेरे नेल्स जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, मेरे नेल्स का भी हमें जो है ना ध्यान रखना चाहिए। नेल्स को भी जो ज़रूरत होती है, जैसे नकल्स हो गए, नकल्स आपके ड्राई होना शुरू जाते हैं या डार्क होना शुरू जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। विंटर्स हैं, बालों में डैंड्रफ होती है, तो आप लोग उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं मैं आपके साथ इसकी डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पर समरी में बताने का मकसद ये था कि इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अच्छा जी, इसमें कोई ये नहीं है कि आपने किस एज में लगाना है। ये आपके कोलेजन को बूस्ट करता है कि एज के साथ साथ हमारे जो है रिंकल्स आना, ये स्किन ढलकना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। नाइट स्किन केयर रूटीन में हम लोग बहुत सारे सीरम्स यूज़ करते हैं, अगर आप इसको यूज़ करते हैं, किसी भी सीरम की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर आपको मैं बताऊँगी आगे जाके कि हम इसको इसका यूज़ किस तरीके से होता है। आप इसके कुछ 3 से 4 ड्रॉप लें अपने नाइट स्किन केयर रूटीन में, आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इससे अच्छा मसाज कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप इसको नाइट के स्किन केयर में यूज़ करें। मैं इसको दिन में यूज़ नहीं करती हूँ, और आपको इस तरीके के बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके फाइन लाइंस, आपके एजिंग, आपके डार्क सर्कल्स और जितने भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे नेल्स, मैं अपने नेल्स भी इस तरीके से लगाती हूँ, अच्छे से मसाज करती हूँ। और उसके अलावा डार्क नकल्स पे लगाएं, उस पर अच्छा सा मसाज करें, उसको भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। इसके साथ साथ जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो एक्नी का प्रॉब्लम होता है, एक्नी के लिए बहुत ज़्यादा ये बेस्ट है। एक्नी के साथ साथ अगर आप उसको डेली स्किन केयर रूटीन में रखेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा ये ब्राइट करेगा। अच्छा जी, आप इसको डायरेक्ट अपने लिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके डार्क और जो है बहुत ज़्यादा फटे हुए लिप्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैं इसको अपने जो है डार्क सर्कल के लिए कैसे यूज़ करती हूँ, अब अपने आई क्रीम में थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स लगा के इसको लगाएं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये बेस्ट है। इसके अलावा आप अपनी नाइट क्रीम में कुछ ड्रॉप्स डालें, डायरेक्ट भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ में यूज़ होता है, आपको मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूँगी आगे जाते कि हम इसको रेमेडीज़ में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अगर फ़ायदे तो बहुत बेतहाशा इसके फ़ायदे हैं, ये कुछ फ़ायदे हैं। अगर आपके हेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा डल हो रही हैं, हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो इसके बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट भी यूज़ किया जाता है बालों के जो है डैंड्रफ के लिए, बालों के डल हेयर्स के लिए, ड्राई हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ये बेस्ट है। इसके अलावा क्रैक हील्स के लिए बहुत ज़्यादा ये बेस्ट है, फटी बेड़ियों के लिए। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो और कुछ बेनिफिट जो कि मैंने आपके साथ रोज़ ऑयल के शेयर किए। आगे जाके इंशाल्लाह कुछ नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि रोज़ ऑयल को हम होम रेमेडीज़ में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।